इससे पहले मेरे घर में छोटी मोटी काम कर रहे थे, मेरा जो चास खेत का काम कर रहा था, स्कूल में पार्ट टाइम टीचर भी थे, जनसाथी का पद है ना, वहीं पे मैं ज्वाइन किया था। अभी मैं टीकाबल ब्लॉक का जीविका सुरक्षा मंच का लोक संगठन जो है उसका ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में हूँ। किसी का बिजली का नहीं है, क्या रेशन कार्ड का नहीं है, कोई भत्ता का नहीं है, ये बहुत सारे समस्या होते हैं गांव को जाने के बाद। हम समझ देते हैं उसको, भैया ये संगठन हमारा है, हम खुद हमारा पैसा खर्च करके संगठन के बाद जाएंगे और लड़ाई करेंगे, उसके बाद हमारा जो समस्या है वो समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत कर पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है पंचायत को, पंचायत को लेकर ब्लॉक, ब्लॉक और जिला कलेक्टर ऐसा करते हैं, ग्रीवेंस सेल में कलेक्टर को बैठते हैं और ब्लॉक में जो ग्रीवेंस सेल होता है वहीं पे भी एप्लीकेशन दे देते हैं, ऐसा करते हैं, देखते हैं गाँव का सिचुएशन कैसा है और उसके साथ बातचीत करते हूँ। तो भैया आपका गाँव ट्यूबवेल है और आपका गाँव आंगनबाड़ी है, स्कूल है, अब कैसे चल रहा है, टीचर कैसे आता है कि नहीं, ऐसा जो सरकार को जितना भी योजना है वो सरकार का योजना आपको गांव पे ठीक पे पहुंच पा रहा है कि नहीं, ऐसा बातचीत करके वो बोलता है कि नहीं मेरा घर अभी तक रेशन कार्ड नहीं है और मेरे को अब तक बिजली नहीं है, रास्ता नहीं है, ऐसा बोल के हम बोलते हैं ठीक है, तो इसको समस्या का समाधान करने के लिए अब क्या करना है, तो वो बताता है ठीक है कैसे करूँगा। तो उसके बाद हम एक गाँव में एक गाँव कमेटी बनाते हैं, उसके बाद वो जितना गांव का जितना भी समस्या है वो इकट्ठ करके हम विभागीय अधिकारी के पास जाके एप्लीकेशन दे देते हैं और उसके बाद ब्लॉक और ऊपर ऊपर से हम लेके जाते हैं। अलग अलग गांव का अलग अलग जो समस्या है वो लिखकर एक इश्तहार बना दिया और उसको हम भुवनेश्वर में दिसंबर 2 को सारे पॉलिटिकल जो नेता है उसको हम दे दिए। जितना समस्या हमारे पास है वो तो हमारे पास सिग्नेचर करके रखा हुआ ना, इसलिए इतना समस्या हमारा है, इस समस्या को जो जो करेगा समाधान हम उसको बेटा वोट देंगे। वो बारिश में भी जाती हूँ या धूप जो भी आता है कौन कौन खरा दिन वो जो वही सीजन में मैं जाती हूँ फील्ड। अच्छा लगने का एक कारण है कि सारे गरीब लोग को इकट्ठी करने के जो जितना मजा है वो मजा कहाँ नहीं आता है, और लोगों को जितना अधिकार है वो अधिकार को कैसे मिल पाएगा लोगों के पास, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को संगठन को जुड़ने से। बात दूसरे जो संगठन है वो संगठन अपने अपने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये सारे जाति या धर्म ना वर्ण सभी को मिलाकर एक संगठन ये है कि यहाँ कोई भी किसी को माने अलग नहीं है, इसलिए हम ये संगठन को और ये संगठन का सभी का एक अधिकार और ओनरशिप वहीं का ही है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसका अपने गाँव का ही खुद मालिक होते हैं और जिम्मेदारी उसका ही कैसे समस्या का समाधान करना है, कैसे उसको निकलना है समस्या को, ये करके ये इसलिए संगठन ये अलग होता है। लेकिन ये बिना विदाउट रजिस्ट्रेशन संगठन है, लक संगठन है। CLD हमारा एक प्रोग्राम है वो चल रहा है, उसके जाते हूँ तो मैं नया नया क्या क्या योजना है, एक सरकार का प्लान क्या है, अभी क्या निकला है, बजट क्या है और धर्म जाति ये सब क्या है, पृथ्वी का सृष्टि कैसे है हम सीखते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार तो हमारा बहुत खुशी है, लेकिन कभी मेरा बीबी मना कर देते तो इतना क्या काम कर रहा है, सुबह जाता है 2-3 दिन के 4 दिन के बाद आता है, घर में क्या रही क्या होता है क्या नहीं सभी करते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ उसको भैया ये लोगों का काम है, सेवा करना जरूर है, तो सेवा हम करते रहूँगा जब तक मेरा जिंदा हो, मैं जब तक मैं ऐसा है मेरा साहस है मेरा मैंने जो ताकत रहूँगा जिंदा रहूँ तक, तो मैं ऐसे ही संगठन कर चलूँगा।